महादेव को समर्पित सावन का महीना समाप्त होने को है। वैसे तो आम तौर पर आपने शिव मंदिर, पहाड़ी, घाट या फिर किसी मैदान में बहुत बार देखा होगा, पर आज हम आपको भीलवाड़ा जिले के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो शमशान घाट पर स्थित है, जिसका नाम है पंचमुखी मोक्ष धाम। शिव मंदिर का नाम है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। पंचमुखी मोक्ष धाम में गुप्तेश्वर महादेव मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पर दर्शन करने से ही भक्तों को काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। गुप्तेश्वर नाम के पीछे की कहानी भी बड़ी अनोखी है। कहा जाता है कि जिस समय मंदिर की स्थापना की जा रही थी तब रात का समय था। तब भीलवाड़ा में किसी व्यक्ति को शिवलिंग के बारे में जानकारी नहीं थी, इसीलिए इसे गुप्तेश्वर महादेव कहा जाने लगा। यही नहीं, अन्य मंदिरों की तुलना में शमशान घाट पर स्थित इस शिवालय में देर रात्रि 12 से 3 बजे तक पूजा अर्चना की जाती है, और शमशान घाट में होने के बावजूद यहां पर महिलाएं भी दर्शन करने पहुंचती हैं। भक्तों का मानना है कि चाहे मंदिर घाट पर हो या शमशान घाट पर, मंदिर तो मंदिर है और ये आस्था का केंद्र है। 10 वर्ष पहले उत्तराखंड से बाबा महादेव का आगमन हुआ था। ये गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ दो शिवलिंग की स्थापना है, एक ओंकारेश्वर से लाया हुआ शिवलिंग है और एक उत्तराखंड से लाया हुआ शिवलिंग जो लगभग 10 वर्ष का है। यहाँ की मान्यता यह है कि लगभग जो शिवालय है उनमें सुबह से शाम पूजा अर्चना होती है, और ये ऐसा शिवालय है जहाँ गुप्त अनुष्ठान होते हैं, जैसे मध्य रात्रि के अंदर लगभग 12 बजे से सुबह प्राप्त 3 बजे तक अनुष्ठान, इनका पंचामृत का अभिषेक और जलाधार का अभिषेक एवं पूजा अनुष्ठान मध्य रात्रि के अंदर होती है। लगभग विशेष अनुष्ठान चल रहा है, यहाँ नमक चमक का पाठ चल रहा है। आज भी बाबा महादेव को विद्वान पंडितों द्वारा, 11 विद्वान पंडितों द्वारा नमक चमक का पाठ किया गया और शस्त्र धारा अभिषेक किया गया, जिसमें जल दूध चढ़ाने से वह दर्शन मात्र से ही, और विशेष मान्यता यह है कि जो जिसके कुंडली में काल सर्प दोष है, मांगलिक दोष है, मंगल दोष है, यहाँ से पूजा अनुष्ठान करने से मंगल दोष का निवारण होता है, काल सर्प दोष की पूजा होती है यहाँ पर, और विशेष किसी भी प्रकार की बाधाएं यहाँ दूर होती है। भीलवाड़ा के पंचमुखी मोक्ष धाम में स्थित गुप्तेश्वर शिवालय के पुजारी रवि कुमार खटीक ने बताया कि शमशान घाट में स्थित ये मंदिर 10 साल पुराना है। यहाँ पर एक खासियत ये भी है कि जिस तरह शिवालय में चार पहर पूजा अर्चना की जाती है, तो वहीं इस गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में देर रात्रि को पूजा अर्चना का ज्यादा महत्व है। इसीलिए रात में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक यहाँ पूजा होती है। मंदिर पुजारी रवि कुमार बताते हैं कि यहाँ पंचामृत अभिषेक किया जाता है। यहाँ पर महादेव के दर्शन करने से और बेलपत्र चढ़ाने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, और इसके साथ ही जिन लोगों को काल सर्प दोष होता है वो भगवान के दर्शन से दूर हो जाता है। राजस्थान के अलावा भी मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी, बिहार से भी भक्त, दूर दूर से भक्त श्रद्धालु अपनी आस्था का केंद्र बना हुआ है ये पंचमुखी मुक्ति धाम। इसमें बाबा भैरवनाथ का भी बहुत बड़ा है, आदि अनादि काल से लोग जुड़े हुए हैं और दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु पहुँचते। इस मंदिर की सबसे बड़ी बात ये है कि शमशान घाट में होने के बावजूद यहाँ भक्तों का आना जाना नहीं रुकता। यही नहीं, भीलवाड़ा जिले के बाहर से भी कई लोग यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। लोकल टीम के लिए भीलवाड़ा से रवि पायक की रिपोर्ट।